हे गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम इस तरह के क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज हमें अब इस फोटो को डाउनलोड कर लेनी है, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसे डाउनलोड करने के बाद हमें पिक्सआर्ट में ओपन करना है। तो सेंड बटन पर क्लिक करके पिक्सआर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो पिक्सआर्ट में ओपन हो जाएगी। अगर आपने पिक्सआर्ट डाउनलोड नहीं किए तो उसकी भी डाउनलोड लिंक नीचे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में, और उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारी फ़ोटो, जो बैकग्राउंड फ़ोटो है वो पिक्सआर्ट में ओपन हो चुका है। देन हमें ऐड फ़ोटो पे जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे नीचे ऐड फ़ोटो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर से अपनी फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन ऐड पर क्लिक कर देना है, हमारी फ़ोटो ऐड हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो को कटआउट कर लेनी है। तो यहाँ पे नीचे स्लाइड करने पे आपको कटआउट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना है नीचे। देन आपको साइज़ को थोड़ा डाउन करना है और यहाँ पे अपने बॉडी के एजेस वाले पोर्शन पे आपको ब्रश कर देनी है। तो यहाँ पर वीडियो मैं थोड़ी फास्ट कर दे रहा हूँ, तो एजेस पर यहाँ पर ब्रश कर लेना है। ये ब्रश हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो कटआउट हो जाएगी। आप प्रीव्यू करके देख सकते हो आपकी फ़ोटो कैसी कटआउट हुई है। देन आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे डन हो जाएगी। अब अपनी फ़ोटो का हमें एडजस्ट कर लेनी है बैकग्राउंड के हिसाब से। तो इसे साइज़ को बड़ा करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इसकी पोजीशन को। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले फ्लिप रोटेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर रोटेट कर लेनी है। यहाँ पर मेरी फ़ोटो वैसी थी यहाँ पर, इसलिए मैंने रोटेट कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप करो, क्योंकि यहाँ पे आँख वाला जो पोर्शन है यहाँ पे दूसरी तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने इसे रोटेट कर दिया। अब उसके बाद आपको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट पे जाना है, देन थोड़ा सा ब्राइटनेस को डाउन करेंगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटो के हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट की है, आपकी फ़ोटो के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, बट जनरली आप इसी तरह की इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, शेडोज़ को कम, हाईलाइट्स को ज़्यादा। और यहाँ पर मतलब इतना आपको करना है एडजस्टमेंट ताकि जो बैकग्राउंड जिस तरह का है उस तरह से मैच हो पाए हमारी फ़ोटो, तो उसी के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है। देन आपको राइट क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ोटो जो यहाँ पे डन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि फिर से टूल्स पे जाना है और यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है ताकि जो हमारी बॉडी पोजिशन है वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए। सबसे पहले ब्राइटनेस को डाउन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा डाउन करेंगे और ब्राइटनेस को ज़्यादा ही डाउन करना है थोड़ा। और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा शेडोज़ का ऑप्शन, तो शेडोज़ को भी थोड़ा डाउन करना है और हाइलाइट्स को उतना ही रहने देना है। देन आपको राइट इरेज़र पे क्लिक करना है, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद इरेज पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे नीचे राइट में इन्वर्ट पे क्लिक करो। देन आपको यहाँ पे रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हार्डनेस को ज़ीरो रख लेना है। अब यहाँ पे हमें जो बॉडी फ़ोटो की एजेस वाली पोर्शन है उस पर हमें ब्रश करना है, मतलब किनारे वाले पोर्शन जितने भी आ रहे हैं सब पे हमें ब्रश करना है। और यहाँ पे जो फेस वाला पोर्शन और जहाँ पे लाइट आ सकती है उस पोर्शन को हमें छोड़ देना है, बाकी जो पोर्शन में लाइट नहीं पहुँचेगी उस पोर्शन को हमें ब्रश करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें ब्रश कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। यहाँ पे ब्रश हो चुकी है अच्छी। अब देख सकते हो कि मैंने सिर्फ उसी पोर्शन पे ब्रश की जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रहा था। देन आपको राइट क्लिक कर देना है और फिर राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा और एडजस्टमेंट करना है तो फिर से हमें टूल्स पर जाना है और फिर से हमें एडजस्ट पर जाना है। अब यहाँ पर हमें ब्राइटनेस को इनक्रीज़ करनी है और कॉन्ट्रास्ट को भी इनक्रीज़ करनी है और यहाँ पे हाइलाइट्स को भी इंक्रीज़ करेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा कम। यहाँ पे आपको फिर ह्यू पे जाना है और ह्यू को डिक्रीज़ करना है ताकि यहाँ पे जो पिंक टोन की पिंक कलर की टोन है वो जनरेट हो पाए, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। देन आपको फिर इरेज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर इन्वर्ट पे क्लिक करना है। देन फिर आपको रीस्टोर पे जाके हार्डनेस को ज़ीरो कर लेना है और उसी तरह सेम आपको, बस आप इस बार आपको ब्रश करनी है
जो पोर्शन पे लाइट यहाँ पे पहुँच सकती है उस पोर्शन को आपको ब्रश करनी है, जैसे फेस वाली पोर्शन हो गई और यहाँ पे टी शर्ट के कुछ हिस्से में लाइट यहाँ पे पहुँच सकता है, तो उस पोर्शन को भी हम यहाँ पे ब्रश कर देंगे और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे केवल हम इसी पोर्शंस पे ब्रश करेंगे, बाकी पोर्शन पे इरेज कर देंगे। इसे इरेज कर दिया तो इतनी काफ़ी है। उसके बाद फिर हमें राइट क्लिक कर देना है, तो टिक पे क्लिक कर देंगे ऊपर, फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पिकशार्ट में हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है बहुत ही अच्छी। अब यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड करनी है हमें PNG को, तो फिर से हमें ऐड फ़ोटो पे जाना है और यहाँ पे इस PNG को हमें ऐड करनी है, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे ऐड करने के बाद आपको इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है, तो ब्लेंड पे जाएंगे हम और यहाँ पे स्क्रीन मोड पे हमें कर लेना है। तो यहाँ पे सेकंड में स्क्रीन है, स्क्रीन मोड पे हमने कर दिया। देन इसके साइज़ को हमें एडजस्ट करना है, पोजीशन को एडजस्ट करना है, तो इतना हमें रखना है, हाँ इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर इरेज पे क्लिक करना और हमारे जो बॉडी पोर्शन में ये जो PNG हो जा रही आ जा रही है सामने में, उसे हमें इरेज कर लेना है। तो फेस वाले पोर्शन में हमें इरेज कर लेना है, इसी तरह से इरेज कर लेंगे ना, काफ़ी है। देन आपको फिर इसकी डुप्लीकेट एक क्रिएट करनी है, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे रोटेट करके, और इसमें भी इरेज कर लेंगे हम जो जो फेस पोर्शन में आ रही है उसे हम इरेज कर लेंगे। इरेज पे जा करके यहाँ पे इरेज कर लेना है, तो इतनी काफ़ी है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। अब देन हमें फिर राइट क्लिक पे कर देना है, तो पिकसार्ट में हमारी फ़ोटो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे, फिर हमें राइट पे क्लिक करना है, तो पिकसार्ट में हमारी एडिटिंग हो चुकी है। देन हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे और अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें अब कुछ एडिटिंग करनी है, इफेक्ट्स डालनी है लाइटरूम ऐप में, तो सबसे पहले तो इसे हमें सेव कर लेना है। ड्रॉ टूल पे जाएंगे, सेव 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अब हमें इस फ़ोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन करना है, तो आपने अगर लाइटरूम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्रो वर्जन को, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम लाइटरूम ऐप में इसे ओपन कर लेंगे, लाइटरूम ऐप को ओपन करना सबसे पहले। अब यहाँ पर हमारी फ़ोटो इम्पोर्ट हो चुकी है, तो अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है, तो सबसे पहले तो हम लाइट एडजस्टमेंट को करेंगे, तो यहाँ पे लाइट वाले टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैक्स को डाउन करेंगे, शेडोज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, वाइट्स को भी इंक्रीज़ करेंगे और हाइलाइट्स को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अब इसके बाद हमें कलर एडजस्टमेंट को करनी है, तो कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे उसके नीचे, तो यहाँ पे कलर वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करना है। देन हमें मिक्स टूल पे जाना है और यहाँ पे बारी बारी से हर कलर को हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ऑरेंज पे जाएंगे और थोड़ा सा सैचुरेशन को कम करेंगे, ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे उसके लेफ्ट में यहाँ पे रेड का जो कलर है उस पे जाएंगे और इसके सैचुरेशन को डाउन ही रखेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ह्यू को थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि यहाँ पे पिंक टोन जनरेट हो। अब येलो पे जाएंगे और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करके ह्यू को माइनस में कर देंगे, ग्रीन को भी ह्यू माइनस में कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्वा कलर को भी हम ह्यू को बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे। देन ब्लू पे जाएंगे, इसके ह्यू को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को बढ़ाएंगे और पर्पल पे हम यहाँ पे इसके ह्यू को बढ़ा लेंगे और उसके बाद मैग्नेटा कलर के ह्यू को यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेंगे। देन आपको डन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट भी बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है। देन आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर स्प्लिट टोन का ऑप्शन है, उस पर जाएंगे और यहाँ पे सबसे मेन वर्क यहीं पे है, हमें हाईलाइट्स वाले पोर्शन को यहाँ पे पिंक कलर पे रखना है, यहाँ पे पर्पल पे, तो यहाँ पे पर्पल पे हम रख लेंगे और सैचुरेशन को 11 के अप्रॉक्स यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे शेडोज़ में आपको ब्लू पे रखना है और सैचुरेशन को यहाँ पे इतना रख लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पर्पल और ब्लू टोन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। देन आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे विग्नेट पे हम यहाँ पे डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो विग्नेट के अमाउंट को यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेना है
और उसके बाद मिड पॉइंट को भी डिक्रीज़ करेंगे, फेदर को इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, फेदर को थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे डार्क टोन यहाँ पे जनरेट हो रही है हमारे एजेस वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे भी हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन ऐड कर देंगे तो हमारी फ़ोटो जो है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे एडिटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद हमें अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी और इफ़ेक्ट के बाद हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी बन चुकी है। तो गैज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दे, और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।